हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करने वाला हूँ एक दिग्गज केमिकल शेयर के बारे में, जो अपने सेक्टर में एक बहुत बड़ी लीडर है। इस शेयर ने लोगों को कंसिस्टेंटली पैसा बना के दिया है। ये इतनी दिग्गज कंपनी है और इसके फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये एक केमिकल सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी है और ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट केमिकल बनाने का काम करती है। ऐसी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वाली कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए। ये कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखें और कोशिश करें इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। ये बहुत ही दिग्गज कंपनी है और ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर शेयर पहले भी रह चुका है और आगे आने वाले सालों में भी ये बहुत बड़ा आपको रिटर्न दे सकता है। तो आप इसे अपनी नज़र में रखें और इसके फंडामेंटल समझने की कोशिश करें। आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। आरती इंडस्ट्रीज़ इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डीलिंग इन स्पेशलिटी केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल एंड पर्सनल केयर्स इंटरमीडिएट्स। आइए इसके कुछ फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो इसका मार्केट कैपिटल जो है वो 19,085 करोड़ का है। करंट प्राइस जो है वो 1,095 रुपये का है। 52 वीक हाई 1137, 52 वीक लो 662 रुपये। बुक वैल्यू 163 की, बहुत अच्छी। स्टॉक का पी 34.13, डिविडेंड यील्ड जो है 0.50 की, ROC 18.47, ROE 23.31, सेल्स ग्रोथ जो है 3 साल की वो 16% के आसपास है और फेस वैल्यू जो इसकी है वो 5 रुपये की है। आइए इसके और रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट हैं ये, और ये सारा जो फिगर दिया हुआ है वो सारे करोड़ में है। तो आरती इंडस्ट्रीज़ की जो जून की सेल थी, जून 18 की सेल 1133 करोड़ थी, जो ये बढ़ के 1218 करोड़ हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इसका था वो 200 करोड़ था, जो बढ़ के 254 करोड़ हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 113 करोड़ हुआ करता था, वो 179 करोड़ हो गया है। और नेट प्रॉफिट जहाँ 90 करोड़ था वो बढ़ के 140 करोड़ तक पहुंच गया है। EPS में अच्छा खासा वृद्धि हुई है, 5.54 से सीधे 8 पे आ गया है। ये ईयर ऑन ईयर इसका रिजल्ट है। मार्च 2008 में इसकी जो सेल थी वो 883 करोड़ की थी, जो बढ़ के 4,401 करोड़ तक पहुंच गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 124 करोड़ से 1,007 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 58 करोड़ से 707 करोड़। नेट प्रॉफिट 40 करोड़ से बढ़ के 559 करोड़ तक आ गया है। EPS जो 4.25 का था वो आज 40 भी पार कर चुका है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ इसकी है वो 10 साल में लगभग 12.5 रही है, 5 साल में भी लगभग 12.5 है, 3 साल में 16 से ज़्यादा है और इस साल लगभग 23.5% है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट में क्या ग्रोथ रही है, 10 साल में लगभग 19%, 5 साल में लगभग 26%, 3 साल में 24% के आसपास और इस साल 50% के आसपास जा रही है। स्टॉक प्राइस का कैगर क्या है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ जो रेट में इसका ग्रोथ हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, वो 10 साल में जो एवरेज रिटर्न इसका था वो 47% के आसपास था और इस 5 साल में जिसका एवरेज रिटर्न है वो लगभग 48.5 के आसपास है, 3 साल में जिसका एवरेज रिटर्न है वो 37.5 है और इस साल जिसका रिटर्न है वो लगभग 43% के आसपास जा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए, 10 साल की इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 22 की है, 5 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी 23.5% है और 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी 23.5% है। इस साल जो इसकी ROE है वो 23.31% तक जा चुकी है। 4 मार्च को आरती इंडस्ट्रीज में जो कामकाज हुआ है उसका ये रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो ये लगभग 2.40 रुपये डाउन था, 1100 रुपये पे इसकी क्लोजिंग हुई है। ओपन हुआ था 1087 पे, हाई बनाया था इसने
1125 का, लोग बनाया 1045 का। बावन वी खाई इसने बनाया था 29 अप्रैल को 1137 रुपये का। बावन वी क्लो इसने बनाया था 668 रुपये का 23 मार्च 20 को। आइए इसमें देख लेते हैं किस प्रकार का कामकाज हुआ है। तो 4,62,257 ट्रेड शेयर की ट्रेडिंग हुई थी, मतलब ट्रेड हुआ, इसमें कामकाज हुआ है। और जिसमें डिलीवरी उठी है वो 1,69,814 शेयर की उठी है, जो लगभग 36.5% के आसपास है। आरती इंडस्ट्रीज़ ने किस प्रकार का रिटर्न दिया है ओवर द ईयर, आइए इसको देख लेते हैं। तो वन डे में ये 0.6% डाउन है, एक वीक में इसने लगभग 7.5% का रिटर्न दिया, एक महीने में इसने 38.5% का रिटर्न, 3 महीने में इसने लगभग 14% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में इसमें लगभग 28.5% का रिटर्न है, और 2020-20 में मतलब YTD ईयर टिल डेट में इसने लगभग 31.5% का रिटर्न, एक साल में इसने 38.5% का रिटर्न दिया। वहीं 2 साल में इसने जो रिटर्न दिया है वो 68% का दिया है, 3 साल में जो इसने रिटर्न दिया वो 157% का दिया है, 4 साल में आरती इंडस्ट्रीज ने जो रिटर्न दिया है वो 310% का दिया है, 5 साल में आरती इंडस्ट्रीज ने जो रिटर्न दिया है वो 569% का रिटर्न दिया है, मतलब आपका पैसा लगभग 5 साल में इसने लगभग 5.5 गुना कर दिया है, और 10 साल में इसने जो रिटर्न दिया वो 4,423% दिया है। मतलब ये है कि 10 साल में इसने आपका पैसा लगभग 44 गुना कर दिया है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वाली कंपनी, केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप जो भी शेयर खरीदें मेरे बताए हुए द्वारा, उन्हें बस लॉन्ग टर्म के लिए ही ख़रीदना है। मैं शॉर्ट टर्म के बारे में कोई भी शेयर का डिस्कस नहीं करता हूँ, और ना ही मैं इंट्राडे प्रॉस्पेक्ट से कोई भी शेयर का डिस्कशन करता हूँ। जो भी शेयर लेना है वो लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, और उसे अपने पोर्टफोलियो में रखना है थोड़े लंबे समय तक, तब आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए आइए आरती इंडस्ट्रीज का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, किस प्रकार का इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो प्रमोटर के पास है, प्लस प्रमोटर होल्डिंग नन, मतलब गिरवी रखे हुए शेयरों की कोई समस्या नहीं है। म्यूचुअल फंड की 19 स्कीमों ने 14.94% का स्टेक इसमें ले रखा है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग राकेश चंद्रकांत जी के पास 4.4% की होल्डिंग है। पब्लिक हाईएस्ट होल्डर हैं HDFC ट्रस्टी कंपनी 7.9% की होल्डिंग। इंडिविजुअल होल्ड इन्वेस्टर जो हैं वो इसमें 23.54% हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अभी लाइक करें, तथा ऐसी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।